अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि टाइमर किस तरह वर्किंग करता है। ये MS4SA टाइमर है, इसकी वर्किंग हम देखेंगे किस तरह करता है। ये देखिए MS4SA टाइमर है, ये इसका मॉडल है। अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह करता है, यानी इसके कॉन्टैक्ट किस तरह काम करते हैं। ये 2 नंबर और 7 नंबर जो इसके इनके सप्लाई के टर्मिनल है जिससे ये एनर्जाइज होगा, ये 100 से 240 वोल्ट एसी तक सप्लाई देंगे तो ये काम करेंगे। 100 वोल्ट 110 से भी काम करेगा, 220 पे भी ये काम करेगा। 4 और 1 नंबर जो इसका क्लोज पॉइंट है, 1 नंबर और 4 नंबर ये इसका क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, यानी जब आप टाइमर को सप्लाई देंगे तो ये नॉर्मली क्लोज होगा। इसी तरह इस साइड पे 8 नंबर और 5 नंबर ये दोनों क्लोज हो गए। अगर आप 10 सेकंड का इसका टाइम लगते हैं तो पहले 10 सेकंड पूरे होने से पहले ये पॉइंट क्लोज हो गए, फिर इसके बाद ये ओपन हो जाएगा और ये 6 नंबर के साथ क्लोज हो जाएगा। अभी हम आपको डायग्राम के मुताबिक दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये हमने इसकी डायग्राम लाई है इसकी बेस की, जिससे मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि ये इसकी वर्किंग किस तरह है। ये जो 7, 8, 1, 2 ये टर्मिनल है, ये बेस के ऊपर नंबरिंग होती है। ये 2 नंबर और 7 नंबर ये देखे इसका सप्लाई के टर्मिनल हैं, जैसे लाइन और न्यूट्रल इसको सप्लाई देंगे 110 से 220। ये इसका 8 नंबर ये देखें, 8 नंबर 5 नंबर आपस में नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं ये देखें, और 8 नंबर और 6 नंबर ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, यानी जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये क्लोज पॉइंट बंद हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन के साथ ला के क्लोज हो जाएगा। इसी तरह इसकी राइट साइड पे है ये देखें, 4 नंबर और 1 नंबर नॉर्मली क्लोज हैं और ये 3 नंबर इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अब हम आपको इसको टाइमर को सप्लाई देके आपको चेक करवाते हैं कि ये इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट। देखो आप इसको सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद ये देखें मीटर से कंटिन्यू पे रख के चेक करेंगे, ये देखें ये 8 नंबर और 5 नंबर इसका क्लोज पॉइंट है। जब इसका टाइम पूरा होगा, 20 सेकंड इसका टाइम रखा है, टाइम पूरा होने के बाद ये देखें ये ओपन हो गया और ये 6, 8 और 6 नंबर आपस में शार्ट हो गए। इस तरह ये दूसरी तरफ 1 नंबर और 4 नंबर ओपन है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।